प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नाउ उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है अटैचेबल, एक होता है इनर्ट. अटैचेबल मतलब the electrode which take part in reaction, जो electrode reaction में participate कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, attackable electrode. यहाँ लिखा हुआ है example, zinc, silver, copper, etc. They all are attackable. ये सब attackable है, यानी ये reaction में participate करते हैं. दूसरा होता है inert. Inert means the electrode which do not take part. जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट. प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. ये जो प्लैटिनम है ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो ये दो इलेक्ट्रोड, एक अटैकेबल और एक इनर्ट. Attackable will take part in reaction, inert will do not take part in reaction. Now, recall example platinum. Now, let us consider electrolysis of. ये example है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस चीज का, product of electrolysis का. Let us consider electrolysis of aqueous initial solution. हमने electrolytic cell उसके अंदर किसका solution ले रखा है, NaCl का aqueous solution ले रखा है. When electric current is passed, अगर हम उस cell में electric current pass करेंगे, then the following reaction occurs. ये दो reaction हो रही हैं उस electrolytic cell के अंदर. कौन कौन सी, NaCl का ionization हो गया Na और Cl ions में, वैसे ही water क्योंकि aqueous है इसका भी ionization हो गया H-ion और OH-ion में. Understood? तो NaCl का ionization हो गया, water का ionization हो गया. Now, which ion will migrate at anode and which ion will migrate at cathode? यहाँ देखो दो positive ion है, अच्छे से देख लो, दो positive ion है, दो negative ion है. तो कैसे determine करेंगे कि कौन anode पर जाएगा और कौन cathode पर जाएगा. पहले हम देखेंगे कैथोड पर. जब कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पर कौन सा आयन जाता है, पॉजिटिव आयन. तो इन दोनों आयन के बीच में कंपटीशन होता है, कहां जाने के लिए, कैथोड पर जाने के लिए. सोडियम आयन कहता है मैं कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एच आयन कि मैंने कैथोड पर जाना है. देयर इज कंपटीशन बिटवीन दीस टू आयंस. तो कैथोड पर, यू नो कैथोड पर क्या होना है, रिएक्शन होना है. तो जब कंपटीशन हो रहा है इन दोनों आयंस के बीच में, तो उस आयन को प्रेफरेंस मिली थी, आयन विच हैव हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यू कॉल इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गेट रिड्यूस्ड. यानी इन दोनों आयन में से जिस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी उस आयन को प्रेफरेंस मिलेगी टू गेट रिड्यूस्ड एट व्हाट, कैथोड. यहां देखो मैंने रिएक्शन लिखी है, सोडियम आयन इसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इसका भी रिडक्शन हो रहा है. नाउ यू सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बोथ दिस मेंशन. सोडियम आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू -2.71, एच आयन की +0 वोल्ट. तो मैंने अभी बताया था कि इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा. The ion which is having higher value of reduction potential will get reduced. उसको preference मिलेगी reduction के. Means ये वाली जो reaction है, ये reaction हो जाएगी कहाँ पर? Cathode पर. Therefore the cathode reaction is happening over here. Water के term में लिख रहा हूँ कि solution water है. The cathode reaction is this. तो ये reaction हो रही है cathode पर.
तो कैथोड पर उस रिएक्शन को प्रेफरेंस मिलनी है जिसका एक्चुअल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होता है। ओके, नाउ वी विल डील विद एनोड। एनोड पर कौन सा आयन माइग्रेट करता है? नेगेटिव आयन माइग्रेट करेगा। तो दो नेगेटिव आयन थे सॉल्यूशन के अंदर, सीएल नेगेटिव आयन और ओएच नेगेटिव आयन। एनोड पर क्या होता है? What is happening in anode? Oxidation. मैंने दोनों रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर। Cl का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। At anode, the ion which is having lower value, जिस आयन की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, that ion get oxidized at anode. उस आयन को प्रेफरेंस मिलेगी क्या करने की? ऑक्सीडेशन होने की। कहां पर? एनोड पर। तो नाउ यू कंपेयर दिस टू आयन व्हिच इज हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। व्हाटएवर इज हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज 1.23, जबकि सीएल नेगेटिव की तो इससे ज्यादा है 1.36। मींस इस रिएक्शन के अंदर जब हमने एक्वस एनसीएल की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, तो ये जो O2 है इसका इवोल्यूशन होना चाहिए था हाँ पर एनोड पर। बट आई हैव टेकन दिस एग्जांपल बिकॉज़ इट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। अ टर्म कॉल्ड ओवर वोल्टेज इज इन्वॉल्व। इसके अंदर एक टर्म इन्वॉल्व है ओवर वोल्टेज। ये जो सेकंड रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है, दिस रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन। दो चीजें होती हैं फिजिबिलिटी, आइदर थर्मोडायनेमिकली फिजिबल और काइनेटिकली फिजिबल। तो दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि रिएक्शन हो जाएगी, बट काइनेटिक स्टडी कहती है कि दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। ये रिएक्शन होती है पर बहुत धीरे धीरे होती है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन अकर एट एनोड, ये रिएक्शन एनोड पर हो जाए और जल्दी से हो जाए, we have to supply an extra potential। हमें इस रिएक्शन को बाहर से क्या देना पड़ेगा? Extra potential देना पड़ेगा। And that extra potential is called what? Now you know what I mean? Over voltage। तो जो extra potential हम इस kinetically slow reaction को देंगे, इसको कहाँ कराने के लिए? Anode पर कराने के लिए, is called over voltage। The extra potential supplied to make a reaction occur rapidly is called over voltage। अब common sense वाली बात हो गई। इसका पहले ही electrode potential 1.23 volt है, बाहर से हमने इसका और voltage दे दिया, what is going to happen? इसका जो electrode potential का value है, इस value से क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। किससे ऊपर चला जाएगा? इससे 1.36 से। इसीलिए जब एक्वस एनसीएल की इलेक्ट्रोलिसिस हुई थी, ये वाली जो रिएक्शन है, दिस सीएल नेगेटिव इज प्रेफर्ड, इसको प्रेफरेंस मिलती है कहां जाने के लिए? एनोड पर। अंडरस्टूड? नीचे वाले रिएक्शन काइनेटिकली बहुत धीरे है, इज वेरी स्लो। इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन हैपन, वी हैव टू सप्लाई एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल फ्रॉम आउटसाइड। That extra potential is called over voltage। क्या करते हैं उसको? Over voltage। तो बाहर से जब potential दे रहा गया, तो इसका electrode potential का value बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो किससे ज्यादा हो जाएगा? इस 1.36 value से ऊपर हो जाएगा। अब किसका electrode potential का value कम है? इसका कम होगा कि इसका कम होगा? इसलिए negative ion का कम होगा, इसलिए इस reaction को preference मिलेगी कहां पर जाने के लिए? एनोड। देयरफॉर द एनोड रिएक्शन इज, इसलिए अगर हमने एनोड रिएक्शन लिखी है, तो जो एनोड रिएक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस। सीएल नेगेटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 1.36 volt। Now this is which reaction? Anode reaction। Anode पर ये reaction होती है।
ऑक्सीजन वाली रिएक्शन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ओवर वोल्टेज के कारण। इसलिए मैंने एग्जांपल कंसीडर किया, कैथोड पर किसका एवोल्यूशन हुआ था, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ था, एनोड पर किसका एवोल्यूशन हुआ, Cl2 गैस का एवोल्यूशन हुआ। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अंडरस्टूड? ये बुक में स्पेसिफिक एग्जांपल है, ऐसे जो क्वेश्चन डील करेंगे हम, जो क्वेश्चन कराएंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैंने बता दिया कि कैथोड पर उसको जाना है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, एनोड पर वो जाएगा जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कम है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन का ओवर वोल्टेज की वजह से Cl2 इवॉल्व हो गया पर एनोड पर। अंडरस्टूड? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इट्स फैराडेज लॉ। Faraday's law electrolysis. Faraday's law electrolysis, one of the greatest chemist, Michael Faraday, इसने दो electrolysis के law दिए हैं। First law, ये एग्जाम में आता है कई बार, इसके लॉ लिखो या इसका न्यूमेरिकल। इस साल न्यूमेरिकल आया है इस पर, फैराडे लॉ। दो लॉ थे इसके इलेक्ट्रोलिसिस के, पहला है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक शैली है क्योंकि जो लॉ है वो किससे डील कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस से डील कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ कहता है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic solution. Electrolytic solution में हमने जितनी electricity pass की उसके हिसाब से क्या होगा, जो electrolyte का उसमें से जो particles हैं anode और cathode पर deposit, metal deposit होना शुरू हो जाएगा। So the mass of a substance deposited at an electrode is directly proportional to quantity of electricity passing through the solution. Removing this proportionality constant statement, Q, this quantity is given as I into T. I stands for current, T stands for time. Proportionality constant को हटा दो, तो we will get M is equal to ZIT, यह है तुम्हारा first law. M is equal to ZIT, where this Z is electrochemical equivalent constant. Electrochemical equivalent constant. The mass of a substance deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the solution. मैंने लिख दिया, Q को हम क्या लिखते हैं, IT लिखते हैं। I करंट है, T टाइम है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आने के बाद में एक कांस्टेंट आ गया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Now, your first law, second law. Now, second law, जब बहुत सारे electrolytic cells, the number of electrolytic cells are connected in series, एक cell, दूसरा cell, तीन cell, हमने इन electrolytic cell को किसमें रख दिया? Series में connect कर रखा है। और उन तीनों सेल के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट इज सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग। तो सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और कनेक्टेड इन सीरीज एंड
सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, उन सब सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो क्या है, सेम है, देन द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू its equivalent weight. Is equal to its equivalent weight. When a number of electrodes are connected in series and same Q, same quantity of electricity is passed, then the mass of substance deposited. अरे वो electrode cell के अंदर anode और cathode की तो है, तो सब में कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होगा, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. आई कैन राइट m1 अपॉन m2, सपोज दो ही हमने ले लिए, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, e1 अपॉन e2. मास ऑफ सब्सटेंस वन डिपॉजिटेड, ये सब्सटेंस वन के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. मास ऑफ सब्सटेंस टू डिपॉजिटेड, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. दो सेल थे सपोज, एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एक सेल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दोनों को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और सेम इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पास कर दिया, देन मास ऑफ zinc deposited is equal to equivalent weight of zinc, mass of copper deposited is equal to equivalent weight of copper. इसका कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ, और इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो इसी पर क्वेश्चन आ रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बोर्ड पर इसी पर क्वेश्चन आया था. नाउ यू नो व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट, पढ़ाया क्लास 11th में, या होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट नाउ मैंने बता दिया तुम्हें, नाउ व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained, number of electron lost or gained, कितने electron लिए या कितने electron दिए उस species में, क्या निकल जाएगा, equivalent weight. Suppose general बता देता हूँ मैं, example ले लेते हैं, equivalent weight of magnesium, what is the equivalent weight of magnesium? Now you know atomic mass of magnesium is 24. Magnesium, you know how many electron this magnesium uses? Do electron use karta hai to become in it. The number of electron loss is 2. What is the equivalent weight of magnesium? Iska equivalent weight kitna hoga? 12 hoga. Similarly, equivalent weight of copper. तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है इट इज 63.5. नाउ कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज 2, डिवाइडेड यू गेट इट्स इक्विवेलेंट वेट, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 15 31.7, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा. Understood? कैसे निकाले equivalent weight? It is atomic mass. अगर molecule दे रखा है तो molecular mass upon number of electron lost or gained. ये level को भी बताया था equivalent weight कैसे निकालते हैं. क्योंकि ये equivalent weight लगना कौन से law में, Faraday के second law में लगना ही लगना है. Now फैराडे कांस्टेंट, फैराडे में क्या चीज था, इसने कांस्टेंट दिया था, व्हाट इज दैट फैराडे कांस्टेंट, एफ
is Faraday constant? The charge carried by one mole electron is called Faraday constant. A mole electron जितना चार्ज कैरी करेगा उसको हम क्या कहते हैं? फैराडे कांस्टेंट. नाउ यू नो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. यू नो दिस. वन मोल इलेक्ट्रॉन इन एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.023 into 10 की पावर 23. therefore charge carried by one more electron, एक electron का charge 1.6 10 की पावर minus 19 into 6.023 10 की पावर 23. ever get a number, you solve it, you will get 9.64 7.8 coulomb. And approximately we write this as 96500 coulomb. This is called one Faraday. So, एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं? वन फैराडे कहते हैं. वी कॉल इट फैराडे कांस्टेंट. वन फैराडे इज इक्वल टू हाउ मच? 96500 कूलम. सिंपल सी चीज है बिल्कुल. इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो. अंडरस्टूड? वन फैराडे विल बी हाउ मच? 96500 कूलम. एक फैराडे के बराबर इतना कूलम चार्ज होगा, 96500 कूलम. तो ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा अभी तक जो हमने डील किया, ये सब किससे डील कर रहा था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस से डील कर रहा था. इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? और फैराडे लॉ इस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड है. दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. तो ये लेसन का एक क्वेश्चन था. देन बैटरीज, जो नेक्स्ट टॉपिक है लेसन का, बैटरीज और यू कॉल देम सेल्स. दो टाइप ऑफ सेल्स हैं. पहला हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल. नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी सेल? घरों में जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च के अंदर जो सेल है, घड़ियों के अंदर जो सेल लगा हुआ है, वो जो सेल है दैट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. कैलकुलेटर के अंदर जो सेल है, कंप्यूटर के अंदर भी एक सेल लगा हुआ जो टाइम जोन में सब कुछ दिखाता है, वो सब सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल. नाउ घरों में इस्तेमाल करने वाला सेल प्राइमरी सेल होता है. प्राइमरी सेल द सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, विच कैन नॉट बी रिचार्ज जिस सेल को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते आर नोन एज प्राइमरी सेल. एक बार यूज हो गया, यूज होने के बाद सेल ने वर्क करना बंद कर दिया, थ्रो इट, दैट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आर नोन एज प्राइमरी सेल. मींस इनकी जो रिएक्शंस है दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सेल रिएक्शंस कैन नॉट be reversed by passing
cell reaction cannot be reversed by passing electric current. इनकी जो सेल रिएक्शन है वो वापस नहीं हो सकती है, रिवर्स नहीं हो सकती है, इसलिए हम इन सेल को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं, दे आर नॉन रिचार्जेबल सेल। अंडरस्टूड? नाउ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, फर्स्ट एग्जांपल इज ड्राई सेल। ड्राई सेल लेक लैंशियल सेल, ये केमिस्ट है जिसने बनाया था सेल लैंशियल सेल। ड्राई सेल एवरीडे का सेल देखा हो, निप्पो नोवीनो ये सब क्या चीज है, ड्राई सेल। यूज करना है, यूज करने के बाद फंक्शन लेस हो जाते हैं, फिर हम उसको निकाल करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, ड्राई सेल। और ड्राई सेल किसका एग्जांपल है, प्राइमरी सेल का। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इनके सेल के बीच में से, कि राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। सेल का डिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं भी, कि डिस्क्राइब द सेल ऐसा नहीं आएगा, केवल क्या आएगा कि एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखने के लिए आगे है। ओके, नाउ जो ड्राई सेल है तुमने देखा होगा सेल निकाल करके, तो ड्राई सेल के अंदर व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, हम लिख रहे हैं यहां पर एनोड। ड्राई सेल का जो बाहर वाला कंटेनर होता है जिंक, जिंक से बना होता है, तो जो जिंक कंटेनर है इट इज बिहेविंग एज एनोड। वो जिंक कंटेनर क्या बिहेव करेगा, एनोड बिहेव करता है, बाहर वाला फेस एनोड होगा, कैथोड। अगर सेल तुमने कभी तोड़ा हो, निकाला हो, तो सेल के बीच में एक ग्रेफाइट रॉड होती है, ग्रेफाइट काले रंग की, ग्रेफाइट कार्बन रॉड है। डिपोजिशन ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, बीच में जो ब्लैक रॉड है वो ग्रेफाइट कार्बन की बनी होती है, उसमें पाउडर लगा रहता है, वो पाउडर किसका होता है, मैग्नीज ऑक्साइड का। इसका फंक्शन क्या है, पोलराइजर। ये पोलराइजर का काम करता है सेल के अंदर। ये हो गया तुम्हारा कैथोड। ना इलेक्ट्रोलाइट, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज बेस्ड ऑन NH4Cl and HCl2, इनका पेस्ट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इसका पेस्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट मैंने बता दिया। इस सेल के अंदर कौन से सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर क्या क्या होता है। नाउ व्हेन द सेल इज इन यूज, हम सेल को टॉर्च में लगा रहे हैं, what are the reaction taking place at anode and cathode, anode or cathode par kaun kaun si reaction hogi, dekho at anode kaun sa oxidation par, loss of electron jo bahar ka zinc container hai usne kya ho gaya, uska oxidation shuru ho gaya, usne apne electron lose karna shuru kar diye, then at cathode ये क्या इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ये कहां चले जाएंगे, कैथोड पर। कैथोड पर क्या चीज है, अमोनियम आयन इलेक्ट्रोलाइट से आया प्लस, कैथोड पर तुमको मालूम है किसका पेस्ट था, MnO2 का पेस्ट था। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ यू कंप्लीट द रिएक्शन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, NaOH plus NH3
ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कहां पर होगी, कैथोड पर होती है। This is the cathodic reaction. Now, what is the net reaction? Cancel this. We will get the overall reaction. The zinc overall reaction is wo kya thi? Zinc plus ammonium ion plus NnO2 gives 2 NnO plus तो ये नेट सेल रिएक्शन है जो ड्राई सेल के अंदर हो रही है। दिस इज द नेट रिएक्शन, अंडरस्टूड? एनोड जिंक था, कैथोड मान लो कार्बन डॉट इनर्ट है, उसके बाहर का जो एल्युमिनियम पाउडर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और दिस इज नेट सेल रिएक्शन, इसके अंदर वाले ड्राई सेल। क्वेश्चन लिखो इसके नीचे, द वोल्टेज ऑफ सेल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, व्हाई? द वोल्टेज ऑफ सेल, इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता। द वोल्टेज ऑफ सेल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, fluctuating, fluctuating, keeps on fluctuating, why? यानी इस सेल का जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट करता रहता है 1.2 से लेकर 1.35 वोल्ट के बीच में क्यों फ्लक्चुएट करता है? The answer lies in this equation only, जो मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर आंसर मौजूद है। Have you got the answer from this? इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा था क्यों? यूजी यहां पर मैंने नेट रिएक्शन लिख रखी है, द नेट रिएक्शन इन्वॉल्व्स आयंस, जो नेट रिएक्शन है वो क्या इन्वॉल्व कर रही है? आयंस इन्वॉल्व, यानी नेट रिएक्शन के अंदर आयंस है, यहां देखो एल्युमिनियम आयन है, यहां पर क्या चीज है? जिंक आयन है। तो नेट रिएक्शन के अंदर आयंस इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसका जो वोल्टेज है वो क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। सिंपल सा आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज द नेट रिएक्शन इन्वॉल्व आयन सो इट्स वोल्टेज इज फ्लक्चुएटिंग। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई देयर अकर्स, व्हाई देयर अकर्स लीकेज इन ड्राई सेल आफ्टर सम टाइम, इन ड्राई सेल आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमने भी देखा होगा कि जो ड्राई सेल है वो लीक करना शुरू कर देता है, क्यों? Why there occurs leakage in dry cell? कुछ समय के बाद जो सेल है वो लीक करना शुरू कर देगा, क्यों करेगा? अभी भी कह रहा हूं आंसर यही है जो मैंने पढ़ाया, बाहर का आंसर कहीं से नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी के अंदर आंसर है इसका। क्यों लीक करना शुरू? तुमको मालूम है बाहर वाला कंटेनर किसका है? जिंक का है, और उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था दैट वाज एसिडिक, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या चीज है? एसिडिक है। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? NH4Cl, यहां देखो प्लस जेड एन सी एल टू, यही तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? एसिडिक है। ये एसिड क्या करेगा? जो बाहर का जिंक कंटेनर है उसको ये क्रोड करना शुरू कर देता है, उसमें धीरे धीरे छेद होने शुरू हो जाएंगे, और छेद होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर फ्लो होना शुरू कर देगा, यानी सेल के अंदर क्या हो जाएगा? लीकेज।
So it occurs because the cell consists of acidic electrolyte which corrodes the zinc container. जो जिंक कंटेनर को बाहर से क्या करता है, क्लोज कर देता है. अंडरस्टैंड? डायग्राम बताता हूं मैं तुम्हें इसका. Now you see here is zinc and here is more gas. You see this. ये बीच की कार्बन डॉट है, you can see. ये बीच की कार्बन डॉट है, काली वाली. ये दिखाओ कार्बन डॉट कैथोड. बाहर का जिंक कंटेनर ये सेल खोल के रखा हुआ है. That is anode. इस पूरे यहाँ पर एक काला रंग का पाउडर डिपोजिटेड है. वो क्या था तुम्हारा? NaNO2 कार्बन ब्लैक. ऐसा क्या चीज है तुम्हारा? ये डायग्राम है किस चीज का? तुम्हारा ड्राई सेल का. तो डायग्राम कोर्स में नहीं आएगा. तो रिएक्शंस आती हैं, डिवाइड द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन ड्राई सेल. तो रिएक्शन याद रखनी अच्छे से. पहला सेल समझ में आ गया. प्राइमरी सेल क्या चीज था? ये इट इज ड्राई सेल. प्राइमरी सेल डील करेंगे आपके पास. जो दूसरा प्राइमरी सेल है नंबर सेकंड, दैट इज मर्करी सेल. मर्करी सेल यू कॉल इट बटन सेल. अपनी घड़ियों के अंदर जो सेल है व्हाइट कलर का, घड़ियों में जो लगता है मर्करी सेल कहते हैं. देखो होगा तुम लोगों ने मर्करी सेल और इट इज कॉल्ड बटन सेल. नाउ सेल के अंदर एनोड क्या है और कैथोड क्या होता है? देखो एनोड दिखेंगे हम. एनोड इस सेल के अंदर जो एनोड होगा दैट इज जिंक and mercury amalgam, Hg amalgam. यह anode होता है इसके अंदर. cathode graphite rod. graphite rod होगी heavy deposition of ग्रेफाइट रॉड है और उसमें क्या डिपॉजिट हो रहा है? HgO बेस्ड है HgO का इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज KOH प्लस ZnO का पेस्ट. इन दोनों का पेस्ट मर्करी सेल के अंदर एनोड जिंक मर्करी अमलगम कैथोड ग्रेफाइट रॉड उसके ऊपर HgO का पेस्ट जमा होगा. इलेक्ट्रोलाइट इज KOH जेड एनओ का पेस्ट. नाउ व्हाट आर दी सेल रिएक्शन? सेल रिएक्शन कुछ नहीं एग्जाम में, तो क्या क्या सेल रिएक्शन होंगी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ. एट एनोड जिंक मर्करी एनोड पर है. So this zinc will react with OH negative ion. ये OH negative ion कहाँ से आया? यहाँ से आया होगा ना electrolyte से. और ये बना देगा तुम्हारा zinc oxide plus H2O. What happens at cathode? At cathode, तब cathode reaction. Cathode पर क्या है? HgO का पेस्ट है. HgO ये किससे रिएक्ट करेगा?
वाटर जो सेल के अंदर बना प्लस इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया है और क्या क्या बना दिया इसमें मरकरी प्लस टू OH नेगेटिव बॉन्ड देख सकते हो रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द नेट रिएक्शन सेल की नेट रिएक्शन क्या होगी वाटर इलेक्ट्रॉन वाटर इलेक्ट्रॉन टू OH नेगेटिव सब कैंसिल हो गया जो नेट रिएक्शन है तुम्हारी वो तो सिंपल है बिल्कुल जिंक प्लस HGO कन्वर्टिंग इनटू ZnO प्लस Hg ये इसकी नेट रिएक्शन है Zn प्लस HGO गिव्स ZnO प्लस Hg और ये जो सेल है दिस सेल मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल इस सेल का पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट होता है कितना होता है नियर अबाउट 1.35 वोल्ट यानी इसका जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा ये नेट रिएक्शन में कहीं भी आयंस नहीं है आपका आयंस है ही नहीं जहां आयंस आ जाएगा वहां जो वोल्टेज है वो क्या करेगा फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ नेट रिएक्शन में कहीं भी आयंस नहीं है इसलिए इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट ही रहता है कितना रहता है 1.35 वोल्ट तो ये भी प्राइमरी सेल है हम क्या कर सकता है एक बार अगर यूज हो गया घड़ी ने वर्क करना बंद कर दिया तो सेल हमको क्या करना होता है बदलना पड़ता है डायग्राम दिखा रहा था तुमने सेल का ये तुम्हारा मरकरी सेल तुम्हारी घड़ियों के अंदर है ऐसा है व्हाइट कलर का सेल ये दिखा रहा एनोड ये एनोड कप ये सेपरेटर कैथोड सेल के बाहर का वर्क है जो दो एग्जांपल मैंने बताया ये दोनों एग्जांपल किसके थे प्राइमरी सेल के थे ड्राई सेल भी और मरकरी सेल भी दे आर यूज एंड थ्रो एक बार यूज करके क्या करना है फेंक देना है इनकी जो सेल रिएक्शंस हैं दे कैन नॉट बी रिवर्स इनकी सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी Understood? Now, we will do numerical on that. पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था लिखो पहला न्यूमेरिकल पहले लॉ पढ़ा दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे पहला न्यूमेरिकल हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज इसके आगे द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोड रिएक्शन गिवन है
The electrode reaction is पहला क्वेश्चन आ गया होगा. हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. रिएक्शन इज गिवन. दिस इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, हाउ विल यू सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करेंगे? यहां करने जा रहा हूं मैं. फर्स्ट वी विल राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स एल्यूमिनियम. यही तो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात है. यू कम टू दिस बेसिक रिएक्शन. ये रिएक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स मींस 3 × 96500 पढ़ाया था मैंने. एक मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है? 96500. फैराडे कांस्टेंट था, वही वैल्यू है. ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है कूलम. कूलम डिपॉजिट एल्यूमिनियम. ये कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करते हैं? ये 1 मोल है कि नहीं है? 1 मोल मींस 7 ग्राम. कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास इज 27. तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 × 96500 विल डिपॉजिट 27 ग्राम. देयरफॉर वी कैन राइट, चेंज कर दो इसको, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स चार्ज. मैंने रिवर्स कर दी रिएक्शन. इज इक्वल टू कितना था ये? 3 × 96500. क्वेश्चन में क्या पूछा है? 40.5. अब आसान हो गया. ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड है. 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स हाउ मच चार्ज? निकालो. 3 × 96500 / 27 multiplied by what? 40.5. Is or no? ऐसे तो होगा. 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए. क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को तो कितना चार्ज मिलेगा? यह है, यू कैन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. और ये जो अप्रोक्सीमेट है ये आएगा तुम्हारा 4 × 3 × 4 × 2 × 5 × 0 coulomb. डन हो गया. नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 2. अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं 10 मिनट्स विद करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. कितना करंट पास किया हमने? 1.5 एम्पियर. व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? ध्यान करके बताऊंगा. व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? पढ़ लो अच्छे से. अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे कितने टाइम के लिए? गिवन
time. Let's solve it. Time is equal to 10 minutes. Just minute ke liye electrolysis ki. With a current of, हमने कितना करंट पास किया उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1.5 एम्पीयर. ये फाइव है 1.5 एम्पीयर. और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कैसे निकालेंगे यहां से. यू नो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने पढ़ाया था कई जगह यूज, इफ एम इज इक्वल टू जेड आई टी. Now question arises, ये Z तो दे ही रखा है, अरे Z खुद calculate करना है. You have to calculate this Z yourself. Electrochemical equivalent खुद calculate करोगे. एक method तो ये है जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ. Now अभी Z ऐसे रहने दो. First you solve this I into t. यहाँ देखो time minute में है, इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में. इसमें चेंज करेंगे, यू चेंज दिस टाइम इनटू सेकंड, यानी z मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स, 10 इनटू 16 इनटू 1.5 कितना हो जाएगा. दिस कम्स टू बी z इनटू कितना हो गया 60 10 600 600 मल्टीप्लाइड बाय 15 600 into 1.5 solve it. Z into how much? 15 is 0. 90 900 900 कूलम. वो अभी नहीं हुआ IT, ऐसा ना 900 कूलम तो होगा. टाइम चेंज करना है सेकंड में, क्योंकि फैराडे जो है कांस्टेंट ऑफ इस चीज में कूलम में है. नाउ अब रह गया ये z. ये z यहां पर लिखना है हमने. कैसे लिखेंगे z को, यू सी वी विल राइट दिस. n इज इक्वल टू z, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट था ना, मैंने इक्विवेलेंट में पढ़ाया था. तो जो कॉपर है इसका जो एटॉमिक मास होता है इट इज 63.5. कितना है इसका एटॉमिक मास? 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 900 इनटू 900 अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कॉपर का इक्विवेलेंट वेट. कॉपर यू नो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, डिवाइड कर दिया 2 से, मल्टीप्लाइड बाय फैराडे कांस्टेंट तो जगह जाएगा 9650. विल गेट द आंसर, सॉल्व इट. एक टेक्निक है दूसरी मेथड को काम में तुम्हें आवे, पर दोनों आंसर यही आएगा, इट इज 0.296 ग्राम. सॉल्व कर लेना, आंसर बता देता हूं मैं. तो दिस इज z, याद रखो z. Z कैसे आया है, ये जो पूरा टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ये Z है यार, तो अच्छे से. This is Z. This is atomic mass of copper. ये एग्जाम में दिया जाता है वैसे भी न्यूमेरिकल के साथ. 63.5. 2 मैंने क्यों लिखा है यहां पर, अगर तुम्हें कॉपर के रिएक्शन याद हो, जब कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है कॉपर, इसलिए मैंने 2 लिख दिया. और ये क्या चीज है, 96500 फैराडे कांस्टेंट. तो ये पूरा जो है ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, वी कैन कैलकुलेट z. टाइम को हमेशा याद रखो, टाइम यू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू सेकंड. इसमें मैंने यहां 10 इनटू 60 किया है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए.
अंडरस्टैंड। एक मेथड ये थी, मैंने कहा हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कई बार क्या है वो जेड भी काम में नहीं आता है, देन वी फॉलो यूनिटरी मेथड। कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? यूनिटरी मेथड। नाउ व्हाट इज दैट मेथड, कैसे करेंगे हम, यहां करके बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। नाउ यू सी दिस, यूनिटरी मेथड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, टाइम आई दे रखा है, तो क्यू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई मैंने बता दिया करंट तुम्हारा है 1.5 इंटू 10 इंटू 60, ये हम निकाल दिए थे, कितना था ये 100 कूलम, कितना तो था ये कितना आ गया था 900, इतना हम चार्ज पास कर रहे थे ना। नाउ यू सी हाउ टू सॉल्व, आगे कैसे करेंगे। कॉपर सल्फेट यानी कॉपर आयन, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा होगा, इसका डिपोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का, लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। यही रिएक्शन तो कि डिपॉजिट होना है तो कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड रिएक्शन लिख दी मैंने, कॉपर इज डिपॉजिटेड। नाउ यू सी टू मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 × 9,650 कूलम डिपॉजिट कॉपर is equal to copper का जो atomic mass है 63.5 one mole किसके बराबर, उसके मास के बराबर है, वो हो गया 1 mole 63.5। तो 2 mole electron कितना copper deposit कर रहे हैं 63.5 इस cell के अंदर। जब हम electrolysis कर रहे थे हमने कितना coulomb charge pass किया 900 coulomb will deposit copper how much? यही तो हो गया। Now you solve it, लिखो इसको। That is 63.5 into 900 upon 2 into 96500। देखो वही चीज आ गई। अभी भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर उतना ही आएगा जो पिछले वाले में आया था। जैसे जीरो में था, आंसर तो वैसे ही आ गया। तो तुम चाहे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, चाहे जेड लगा के सॉल्व करो, द आंसर विल रिमेन सेम, आंसर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, जितना भी मैंने पढ़ा दिया अभी तक, यू रिवाइज इट थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको, क्योंकि कल यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल, यू कैन सी कल हम कंटिन्यू करेंगे इस फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल, प्लस जो आगे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है दैट इज सेलिंग रिसर्च विल बी डे आफ्टर टुमारो मंडे, वी विल कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स एंड सेकेंड रिसर्च। ओके, थैंक्स फॉर द डे। Thank you.